ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن وإن لك لأجرا غير ممنون وإن وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونسلى على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد محمد الله عليه وسلم في الخلد يا رب العالمين. पिछली दफ़ा हमने पढ़ा उन वफूद के बारे में कि जो जौक दर जौक मदीना आ रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे कुछ जिजिया देने पर राजी हुए कुछ घर जा के उनको सेकेंड थाट्स आई और वो फिर मुसलमान हुए अब ये अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का बिल्कुल आखिरी दौर है और इस आखिरी दौर में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेटाता फरमाया और ये वो ज़माना है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक छोटी बेटी ज़िंदा थी सैयदा फ़ातिमा रदील बाकी तमाम आपकी बेटियाँ अल्लाह के पास जा चुकी थीं इस दुनिया से और जब ज़ाहिर है बेटा पैदा हुआ है इब्राहीम रदी पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नैचुरली बहुत ज़्यादा खुशी हुई बहुत मसरत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को देखने मिलने मारिया रदी के काशाने पर तशरीफ़ ले जाते और अपने बच्चे के साथ खेलते प्यार करते और इब्राहीम रदी को अल्लाह ताली ने अठारह महीने की उम्र अता फरमाई और फिर उन्हें अपने पास बुला लिया और ये जो इतनी पेनफुल एक ये चीज़ थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर आ गई तो इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वक़ार और बड़े हौसले का सबूत दिया और सब्र जमील करके दिखाया और फिर पता चला कि वाकई सब्र जमील होता क्या है और इब्राहिम रदिलानों की विलादत ज़ुल्हिजा सन आठ हिजरी में हुई थी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलके यमीन मारिया किब्तिया के बतन से थे सन छः हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह उदैबिया के बाद खतूत लिखे थे तो मकूक से मिस्र को जो ख़त लिखा था तो उसने आपके ख़त को ऑनर भी किया और आपके कासिद को भी ऑनर किया इस्लाम नहीं लाया लेकिन तोहफे तहयफ़ आप सल्ह वसलम को भेजे जिन में मारिया किब्तिया भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने लिए खास किया और जब इब्राहीम रदिया की विलादत हुई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त साठ साल थी और सल्लल्लाहु अलैहि वसलम को इब्राहिम रदी की पैदाइश की खबर जो है वो आपके गुलाम अबू राफे ने आपको सुनाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खुशी में अबू अबूरफ़े को एक गुलाम हिबा किया था और फिर सातवें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिसको झंड उतरवाना कहते हैं झंड भी उतरवाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन बालों को दफन कर दिया गया था और इन बालों के वजन के बराबर चांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका भी की और इब्राहिम रदी का अक़ीक़ा भी किया अनस रदील तु फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि आज रात अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है और मैंने उसका नाम अपने बाप इब्राहीम के नाम पर रखा है और जो भी अरबों का दस्तूर था उसके मुताबिक इब्राहीम रदी को उम्मे सैफ़ की कफालत में दिया वो रदात करती थीं और ये एक लोहार थे अबू सैफ उनकी ये बीवी थी और रसोल्ला सल्ला वसलम अपने बेटे से मिलने अबू सैफ़ के घर भी तशरीफ़ ले जाया करते थे तो अनस रदी फरमाते हैं कि एक दिन रसोल्ला सल्ला वसलम अपने बेटे से मिलने के लिए अबू सैफ़ के घर तशरीफ़ ले गए तो मैं भी आपके साथ चल पड़ा जब हम वहाँ पहुँचे तो अबू सैफ़ अपने काम में मसरूफ थे और भट्टी फूक रहे थे जिसकी वजह से घर में धुआँ ही धुआँ था आप देखें कि रसोल्ला सल्ह्ल वसम किस कदर बेर मिनिमम में अपनी जिंदगी गुजारते थे और कोई प्रोटोकॉल्स कोई स्पेशल ट्रीटमेंट्स किसी किस्म की नहीं है तो अनस अनसरदी कहते हैं कि मैं जल्दी से आगे बढ़ा और अबू सैफ़ से कहा कि बस करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो ये सुनकर अबू सैफ़ रुक गए और आप अलैहि वसल्लम ने बच्चे को उठाया गले से लगाया और फिर कुछ कहा और अल्लाह ही जानता है कि आप अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज कहे थे और इसी तरह से आ, बिन मालिक रदी ही रवायत करते हैं कि जब इब्राहीम सलाम की विलादत हुई तो जब्राईल रसूल सल्हस की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की अस्सलाम का या अबा इब्राहीम ए अबू अब्राहीम आप पर सलामती हो और इसी तरह एक बड़ी ख़ूबसूरत एक जो इंसिडेंट है इब्राहीम रदी के हवाले से कि सईदा आयशा फरमाती हैं कि जब रसोल्ला सल्ह वसम का बेटा इब्राहिम पैदा हुआ तो आप अलैहि वसल्लम उसे उठाकर मेरे पास लाए और फ़रमाया आयशा देखो ये बच्चा मुझसे कितना मिलता है तो आयशा रदी फरमाती हैं मैंने अर्ज़ की मुझे तो कोई मुशाबहत नज़र नहीं आ रही तो आप सल्ह वसलम ने फ़रमाया क्या तुम उसकी सफ़ेद रंगत और गोश्त को नहीं देख रही तो सैदा फरमाती हैं मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल जिसे भी ऊँटनी और भेड़ों का दूध पिलाया जाएगा उसकी रंगत सफ़ेद तो हो, हो ही जाएगी और जहाँ जिसमानी लिहाज से वो बच्चा सेहतमंद और तंदरुस्त भी होगा मोटा भी होगा और ये वो खुद फरमा रही हैं कि ये बात असल में उन्होंने रश्क की वजह से और एक गैरत की वजह से की थी क्योंकि वो एक यंग लड़की थी खुद उनके यहाँ औलाद नहीं थी तो एक वो एक जो एक नेचुरल एक होता है ना तो वो उस वजह से उन्होंने इस तरह से कहा वरना वो अच्छी तरह जानती थी कि इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं और जब इब्राहिम पैदा हुए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे इब्राहिम को उसके बेटे ने आज़ाद करा दिया है यानी फिर वो मिलके यमीन ना रही और फिर ये बच्चा सिर्फ अट्ठारह माह की उम्र पाकर बीस रबी अव्वल को अल्लाह को प्यारा हो गया और रसोल्ला वसलम को उनकी वफ़ाद का बहुत गम हुआ था अब्दरमान बिन औफ्रदीला फरमाते हैं कि रसोल्ला सल्ला वसलम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस घर ले गए जहाँ आपका बेटा इब्राहिम रहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को अपनी गोद में उठाया तो बच्चे पर जाँ का आलम था तो ये मंज़र देखकर कर सल्लल्लाहु अलैहि वम की आंखों से आंसू जारी हो गए तो मैंने अर्ज़ की या रसोल्ला क्या आप भी रो रहे हैं तो आपने हमें तो रोने से मना फरमाया है तो रसोल्ला सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नौहा करने से मना किया है और ये आंसू तो रहमत और शफकत के आंसू हैं और जो शख्स रहम नहीं खाता उस पर रहम भी नहीं किया जाता और फिर आप वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि इब्राहिम हमारी आंखें बहती हैं हमारा दिल गम से डूबा जा रहा है लेकिन हम अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब अल्लाह हमसे नाराज हो जाए और यही सब्र जमील होता है क्योंकि ये नेचुरल है कि इंसान रोए इंसान के आंसू बहे लेकिन इंसान का कोई ऐसी बात कहना बेसब्री की और बेहौसलेपन की तो वो जो है वो ठीक नहीं होता और एक और रिवायत में आता है कि जब रसोल्ला वसल्लम को इस तरह रोते देखा और इतने कर्ब में देखा तो उसामा बिन जैद गम के मारे ऊंची आवाज में रोने लगे तो रसोल्ला सल्हम ने उसामा रदी लनों को रोक दिया और उन्होंने बड़े अदब से कहा यार रसोल्ला आप भी तो रो रहे हैं तो आप सल असम ने फ़रमाया रो रोना तो रहमत की अलामत है और इस तरह चीखे मारना शैतान की तरफ से होता है और क्योंकि इब्राहिम रदी और रदात में फ़ौत हुए थे तो इसलिए रसोल्ला सल्ह वसम ने फ़रमाया कि उनके लिए जन्नत में एक दाया मुकर हो गई है सुबह अल्लाह इसी तरह से एक और जो हदीस है उसके अंदर ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर इब्राहिम ज़िंदा रहता तो उसका कोई मामू यानी किबती लोग जो हैं वो गुलाम ना रहता सारे का सारा जो ये है ना मिस्र वो फिर ननिहाल बन जाता ना इब्राहिम रदीला का और इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि एक ताबई इस्माइल कहते हैं कि मैंने इबन अबी औफा रदी से पूछा से कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहिम को देखा था तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी वफ़ात बचपन ही में हो गई थी और अगर ये तय होता कि मोहम्मद वसल्लम के बाद किसी नबी की आमद होगी तो आपके साहिबजादे जिंदा रहते लेकिन आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा फिर अः इब्राहिम को जब दफनाने का वक्त आया तो लोगों ने पूछा कि या रसोल्ला कहाँ दफ़न करें तो आपने फ़रमाया कि हमारे पेश उस्मान बिन मज़ून के करीब दफनाओ उस्मान बिन मज़ून जो हैं ये पहले महाजिर सहाबी थे जिनकी मदीना में वफ़ात हुई थी फिर जब इब्राहीम रदी को दफना दिया गया तो रसोल्ला सल्ला वसम ने फ़रमाया कि है कोई जो मशिकीज़ा ले आए तो एक अंसारी सहाबी पानी से भरा एक मशकीज़ा ले आए तो आपने फ़रमाया कि अब इब्राहिम की कब्र पर इस पानी का छिड़काव कर दो तो अता कहते हैं कि जब इब्राहिम की कब्र बराबर कर दी गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की एक जानब एक पत्थर उभरा हुआ देखा तो आपने ख़ुद अपने मुबारक हाथों से उसे बराबर कर दिया और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करे तो उसे मज़बूत और अच्छे तरीके से किया करे इससे मुसीबत जदा को तसल्ली मिलती है यानी फिर इस तरह यानी अगर एक हैप हैजर्ड सी या एक अनटाई सी सी बिकवर बनी हुई होगी तो जो लवाकिन है उनके दिल को तकलीफ़ होगी तो उसको ज़रा ऊपर से अच्छी तरह से लेवल करो और ये जो शुरू की बात है ना इज़ा अमिला फल हो कि उसको पुख्ता तरीके से करे ठोस तरीके से करे कोई भी काम अगर करने का इरादा करे तो ये वैसे जनरली भी ये असूल होना चाहिए कि आप जो काम पकड़ते हैं फिर उसके अंदर पूरी भरपूर अपनी जान तोड़ मेहनत लगाएं और उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं एहसान के लेवल पे काम करें खास तौर पर दीन का फिर फिर ये काम ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस बस थोड़ा थोड़ा हो गया तो इतना ही काफी है इस तरह नहीं होना चाहिए और फिर इब्राहिम ही की वफात के दिन सूरज ग्रहण लगा और आप देखिए कि इधर बेटा फौत हुआ है और उधर सूरज ग्रहण लगा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीनी ज़िम्मेदारी जो है उसको निभाया है और लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि इन कसफ़त मौत इब्राहिम इब्राहिम की मौत की वजह से सूरज ग्रहण हो गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं किसी की मौत और हयात के बास इन्हें ग्रहण नहीं लगता जब तुम इन दोनों का ग्रहण देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो और उस वक्त तक नमाज पढ़ते रहो जब तक इनका ग्रहण खत्म ना हो जाए और फिर एक और रिवायत में इजाफा है हमें पता होना चाहिए कि सूरज ग्रहण लगे चांद ग्रहण लगे तो हमें करना क्या चाहिए आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो सद का जल का जिक्र करो और फिर आप वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज भी पढ़ाई थी उसी दिन इसकी एक डिटेल में पूरी तफसील के साथ सही बुखारी में हमें मिलती हैं फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी में है तबूक के बाद खालिद खालिदीद रदों को भेजा ऐसे दो कबाइल की तरफ के जो अभी तक कुफर पर कायम थे अब बाकी सारा जजीरा नुमाए अरब जो है ना ये या तो मुसलमान हो चुका था या जिजिए पे राज़ी हो चुका था ये दो कबाइल थे जो यमन के कबाइल थे और एक यमन का कबीला था मुज़हज और एक नजरान का बन हारिस बिन काब ये दोनों नहीं आए थे तो यमन आप सल्लल्लाहु आपली वम नेली रदी लानों को भेजा और नजरान के कबीले की तरफ़ आपली वसम ने ख़ालद बिन वलीद रदी लानों को भेजा और ख़ालिद बिन वलीद जिन तरफ गए थे वो बड़ी ही बहुत बड़ी जंगी कुत वाले लोग थे बड़े बहादुर पूरे अरब में माने पर माने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदीलानों को ये नसीहत करके भेजा कि तीन दिन तक उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देना अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं करते तो फिर उनसे लड़ाई करना और खालिद रदीलानों ने इन्हीं नसीहतों पर अमल किया तो इन लोगों ने लड़ाई के बग़ैर ही इस्लाम कबूल कर लिया और इनके इस्लाम कबूल करने के बाद ख़ालिद रदीलानो नजरान ही रुके रहे और लोगों को कुरान और सुन्नत के अहकाम सिखाने शुरू किए और रसोल्ला अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा कि या रसोल्ला मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उन्हें तीन दिन तक इस्लाम की दावत दी और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हमसे लड़ाई नहीं की अब मैं उन्हें इस्लामी तलिम दे रहा हूँ और सुनत नबी सिखा रहा हूँ और इस खुशखबरी से आपको मुतल कर रहा हूँ ख़ालिद बिन वलीद रदीलानों की शख्सियत का बिल्कुल एक और पहलू है ना ये कि फ्रेंडली तरीक़े से टीचर बन के मम्म बन के वहाँ पर उन्होंने दीन भी सिखाया है तो रसोल्ला सल्ला वसलम ने ख़ालद रदीलानो को जवाबी ख़त लिखा था और ये दोनों खतूत जो हैं इनकी सीरत की किताबों में पूरा जो है मतन वो भी मिलता है बहरहाल ब्रीफली ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत में अहल नजरान के इस्लाम कबूल करने पर हुक्म दिया कि उनके जो चीफ़ हैं जो सरदार हैं उनका एक वफ्त मदीना रवाना किया जाए तो रसोल्ला वसल्लम का मुबारक नामा जब खालिद बिन वलीदानों को मिला तो वो अपने साथ बनो हारिस के जो चीफ़ सरकर लोग हैं उनको लेकर तो मदीना आए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो आपने फ़रमाया ये कौन लोग हैं ये तो हिंदी लग रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हारिस का वफद है खालिद वली वलीद को लेकर आए हैं और इन्होंने शहादा कही और ये मुसलमान हो गए और ये वफ़ जो है ये शबाल के आखिर या जुलकादा के शुरू में अपने घरों को वापस चला गया और अभी ये लोग अपने इलाके में बमुश्किल मुश्किल चार महीने ही ठहरे थे वापस जाकर मदीना से कि वसल्लम की वफात हो गई और फिर वसल्लम ने इनके वापस चले जाने के बाद अमर बिन हजम को रवाना किया था कि इनको दीन से खाएं और इनसे जक़ात भी कलेक्ट करें इसी तरह से आप अलैहि वसल्लम ने अली रदी को भेजा था यमन के उस कबीला बनू कबीला मजहज की तरफ जो कि बहुत हठ धर्म और इस्लाम दुश्मनी में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था तो दस को अली रदीलान्हों निकले हैं आपके साथ तीन सौ घुड़सवार मुजाहिद थे और इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तलकिन की थी कि उन लोगों को सोचने की मोहलत देना फिर उन्हें इस्लाम की दावत देना बहरहाल उन लोगों ने शुरू में जो है ना ज़रा रिटेलिएट किया तो फिर जो है वो कुछ इनकी आपस में चपकलश हुई जंग हुई और मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत भी हाथ आया मुसलमानों ने उनके जंगजू मार भी दिए और जब उन्होंने अपना यह हशर देखा तो उनके बहुत से लोग जान बचाकर भागे जिसका जिधर मुंह उठा वो उधर भाग गया तो अली रदिलानों ने सारे गनाइम जमा करवाए और उस वक्त रसूल सल्ला वसल्लम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जा रहे थे और अली रदीला तह यही गनाइम और ज़क़़त के ऊंट वग़ैरह लेकर तो आप सल्ला वसल्लम तो को मक्का जाकर मिले थे रास्ते में उन्होंने जो फ़ौजियों का हिस्सा बनता था मुजाहिदीन का उनको दे दिया और पाँचवा हिस्सा जो है जिसमें बहुत कुछ था उसमें भी तो आप रदीलानों लेकर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए आ, आ, मक्का में आके आपको मिले वो आगे हम हजरतलिदा में आ, पढ़ेंगे अली रदी की तशरीफ आवरी का मजीद कुछ बयान और इसी दौरान में आपने एक नाम सुना होगा एक यहूदी आलिम काब अहबार काब अहबार ने इस्लाम कबूल कर लिया और इन्होंने इस्लाम कबूल किया हजरत अली रदीलान्हों के हाथ पर ये ख़ुद कहते हैं कि जब अली यमन तशरीफ़ लाए तो मैं उनसे मिला मैंने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और ख़ूबियाँ क्या हैं तो वो मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़जाइल और मना़ब और आपकी अखलाकियात की बुलंदी बता रहे थे और मैं मुस्कुरा रहा था तो अली रदीलान्हों ने मुझसे पूछा कि आप मुस्कुराते क्यों जा रहे हैं तो मैंने अर्ज़ की कि आपकी बताई हुई ख़ूबियाँ हु बहू हमारी किताब में मौजूद हैं और फिर मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ें हलाल और कौन सी हराम करते हैं तो अली रदीला ने उनकी भी तफसील बताई तो मैंने कहा कि यही हमारी किताबों में भी मौजूद है और फिर इन्होंने काब अहबार ने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन ये मक्का नहीं आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी और फिर अबू बकर रदीलानहों की भी वफात हो गई और उमर रदीलानों की खिलाफत के ज़माने में ये मदीना तशरीफ़ लाए हैं और फिर ये बड़ा ही अफसोस किया करते थे कि काश मैं मदीना मुनवरा की तरफ हिजरत करने में जल्दी करता क्योंकि वह रसोल्ला सल्ला वसल्लम की जियारत के शर्फ़ से तो फिर महरूम रह गए थे फिर रसोल्ला सल्ला वसल्लम की हयात तैयबा का आखिरी अमल हज ताला ने कैसे अपने नबी को किस किस तरह से कितनी खूबसूरत है सीरत कितनी ही अपने अंदर जैसे सुच्चे मोती होते हैं ना उस तरह के इंसिडेंट्स उस तरह के लेसन उस तरह के असबाक लिए हुए और अब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का आखिरी अमल हज रखा और अम्बिया कराम ने अपने अपने ज़मानों में बैतल्ला का हज किया है और इसमें आप देखिए कि ये एक ऐसा एक इबादत का और इस्लाम का ऐसा रुकन है इंसान मर्द हजरात ख़ास तौर पर और औरतें जाहिर है कि इसी तकाजे के तहत कि उनका सतर जो है वो खुले नहीं वो आम लिबास पहनती हैं उनके लिए एक आसानी की गई है कि वो सिला लिबास पहने लेकिन वो भी जाहिर है कि एक सिंपल सादा इस तरह लिबास होता है और मर्द हजरात तो बिल्कुल लिटरली कफन लपेटे हुए होते हैं और कभी वो बैतुल्ला के गिर कभी वो सफा मरवा कभी अरफात कभी मुजलफा कभी मिना तरफ लबैक, लबैक, लबैक। और अल्लाह की रजा के लिए ही वो सर मुंडवाते हैं अल्लाह की रजा के लिए ही वो कंकरियां मारते हैं हर तरफ वो हर रंग का हर नस्ल का हर जिन्स का हर दर्जे का बंदा जो है वो अल्लाह के हजूर दीवाना वार अपने आप को परागंदा करके तो अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसे में अल्लाह ताला की रहमत भी इतनी होती है कि रसोल्ला सल्ला वसम ने फ़रमाया कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया उसमें ना कोई शैमानी हरकत की ना कोई गुनाह किया तो वो इस तरह पाक साफ होकर लौटेगा जिस तरह उस दिन था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था फिर इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि हज मबरूर का सिला जन्नत के सिवा कुछ नहीं तो अः सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दसवें साल के महीने में लोगों को हज के लिए इकट्ठा होने का हुक्म फरमा दिया ऐलान करवा दिया गया और इस्लाम की जो सारी रियासत है जजीरा नुमाए अरब सारे हर तरफ से लोग जौक दर जौक मदीना आने लगे दूर दराज के लोग भी नज़दीक के लोग भी और मदीना के इर्द गिर्द खैमा बस्तियां आबाद हो गई उन लोगों की कि जो नबी अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए जाना चाहते थे अब हज किस साल फ़र्ज हुआ है तो इसमें सीरत निगारों का अख्तिलाफ है बाज़ ने लिखा है कि पांचवें साल बाज़ ने नवे साल और जमहूर उलमा के नज़दीक हिजरत के छठे साल हज फर्ज हुआ क्योंकि ये जो आयत है वह अतिम जबल्ला अलबरा वन नाइनटी सिक्स कि तुम हज और उम्र अल्लाह के लिए मुकम्मल करो पूरा करो तो ये आयत तो सुलहदिया के मौके पर नाजिल हुई जो हिजरत के छठे साल हुई थी जैसा कि वो बिन उजरा रदी के वाके में है कि उनको जुएँ पड़ गई थी और उनके सर से जुएँ उतर रही थी और फिर आप पर यह आयात नाजिल हुई और आगे सारा वफ़िए का भी है कि काबिन उजरा के सर में जुएं पड़ गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा कि उनको इतनी तकलीफ है कि उनके मुंह पे उनकी आंखों में आके गिर रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई कि कुर्बानी करने से पहले अगर कोई सर मुंडवाता है उस सूरत में कि जब वो महसूर हुए हुए हैं जब वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उसी वक्त की बात है ना, तो फिर वो क्या करेगा वो सर मुंडवा लेगा लेकिन फिर या वो फिदिए में रोज़े रखेगा या सदका देगा या कुर्बानी करेगा तो कब फरमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई थी तो ये आयत जो है ये संचे हिजरी में नाजिल हुई है तो लिहाजा ये सबसे राजे राय है कि संचे हिजरी में हज जो है वो फ़र्ज़ हो गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं हजतुलवि क्योंकि इसमें आपने लोगों को अलविदा कहा आपने फरमाया था कि मुझसे हज के मनासिक अच्छी तरह सीख लो क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि शायद मैं इस साल के बाद हज ना कर सकूं। फिर इसे हजतलबलाख भी कहा जाता है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन बड़ा बलीग एक खुतबा इरशाद फरमाया और फिर लोगों से गवाही तलब फरमाई थी कि क्या मैंने दीन इस्लाम पहुंचा दिया है तो लोगों ने फरमाया था न शब्ता हम गवाही देते हैं कि आपने पहुंचा दिया इसी तरह इसे हज्जतु तमाम भी कहते हैं क्योंकि इस रोज दीन इस्लाम मुकम्मल होने के बारे में आयत नाजिल हुई थी अलमल तोना व वम तुम नियमती व्लाम दीना माईदा आयत नंबर तीन आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया फिर इसी तरह से इस्लाम भी कहा जाता है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के फ़र्ज़ हो जाने के बाद मदीना मुनवरा से तशरीफ़ लाकर इस एक हज के सिवा कोई हज नहीं किया और फिर जब आप अलैहि वसल्लम का काफ़िला चला तो जाबिर रदीलानो कहते हैं कि मैं लोगों का नजारा करने लगा आपके दाएं बाएं और आगे पीछे पैदल और सवार लोगों का एक हुजूम था उस दिन ऐले इस्लाम की कसरत देखकर मुझे इतनी ही खुशी हुई जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की खुशी थी अब कितने हज्जजए कराम थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो इसमें भी बाज ने लिखा है नबे हजार बाज ने एक लाख चौदह हजार बाज ने एक लाख बीस हजार लेकिन बाज सीरत निगारों ने यह भी कहा है कि ये तो वो लोग थे जो आपके हमरा निकले हैं जिन लोगों ने आपके साथ हज किया है उनकी तादाद तो इससे भी कहीं ज्यादा है क्योंकि इनमें वो लोग भी शामिल थे जो मक्का के मुकीम थे फिर अली रदी जो जिन लोगों के साथ यमन से वापस तशीफ़ लाए थे और अब अल अशरी भी यमन से आए थे तो ये हकीकत ये है कि इस मुबारक मौके पर जो साहब कराम की तादाद है वो शुमार से बाहर है जिसने ये अजीम नज़ारा देखा उसने अपने अंदाज़े के मुताबिक कोई तादाद बता दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक इंतहाई हकीमाना तरीका था कि आप किसी न किसी को मदीना में नायब जरूर छोड़ के जाते थे तो इस मौके पर अबू दुजाना अगर आपको याद हो कि ये अबू दुजाना कौन है ये वो हैं कि जो उहद के दिन जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दी थी कि कल मैं तलवार उसको दूंगा जो इसका हक अदा करेगा और फिर आपने अबू दुजाना को दी थी जो रेड टर्बन पहन के और फिर बड़े अकड़ के चलते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वैसे अल्लाह ताला को ये चाल पसंद नहीं लेकिन मैदान जंग में पसंद है फिर सईदा से रिवायत है कि रसुल्ला सल्ह हज के लिए निकले तो जुल्कादा की पांच रातें बाकी थीं और लोग हज के जिक्र के अलावा और कोई बात नहीं करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे पहुंचे और तमाम अजवाज मुताफा पहुंची और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि इस मौके पर भी अजवाज मतहरा की जो प्रोटोकॉल है ना वो किन हजरात के ज़िम्मे थी साहबा में से उस्मान बिन अफ़ान रहमान बिन औफ और डाउन द लाइन हज़रत उमर के ज़माने में जब अजवाज मतःरात ने उमर से ही रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक दफ़ा हज करवा दिया जाए तो उमर ने हज करवाया था और उस वक्त भी यही दो सहाबा थे कि एक आगे चलता था अजवाज मतःहरात के काफिले के और एक पीछे तब भी यही दो हजरात जो हैं ये साथ गए थे अजवाज मतहरा के अल्लाह और सयदा सलमा फरमाती हैं कि जब रसुल्लाम ने हजतल किया उस मौके पर तमाम अजवाज मतःहरात ने भी आप सल्ह वसलम के साथ अपने अपने हद्दज में हज किया वो कहती हैं कि हम रसोल्ला सल असलम के पास जुल्हलीफा में रात के वक्त पहुंची और हमारे साथ उस्मान बिन अफ़ान और अब्दुलरहमान बिन औफ रदीम थे फिर एक और रिवायत में आता है कि रसोल्ला सल्ह वसलम ने यह भी फ़रमाया था कि हज बस यही है बाद में घरों में रहना होगा और महातुलमोमिन के साथ साथ नबी अक्रम सल्ला वसम की प्यारी बेटी सैदा फातिमा रदीलाना ने भी इस बाबरकत सफ़र हज में शिरकत की थी और ये जो झुल्हलीफा में रात गुजारी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लोगों की आसानी के पेश नज़र कि जो आ सकता है वो आ जाए पहुँच जाए वरना ये कोई मनासे के हज में से नहीं है और फिर मदीना में जोहर की चार रकतें पढ़ाई थीं और लैफ़ा में असर की नमाज आप सल्ह वसम ने कसर अदा की फिर आप सल्ह् वसम ने वाद अकीक में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और वादी अकीक जो है ये मदीना मनवरा से एक तकरीबन छः किलोमीटर्स के फासले पर है और जुलहलेफा के क़रीब तर है अगर आप ज्यारतों पे निकले हैं तो आपको रास्ते में वादी अकीक दिखाते भी हैं तो उमर रदीलानू कहते हैं कि मैंने रसोल्ला सल्ला वसम को वादी अकीक के बारे में फ़रमाते सुना कि आज रात मेरे रब की जानब से एक आने वाला आया और कहने लगा कि आप इस बाबरकत वादी में नमाज़ पढ़ें और कहें कि मैंने हज के साथ उम्र की भी नीयत की है फिर जब आपने बांधा है तो सईद आयशा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोहराम बांधते वक्त और तवाफ जियारा से पहले अहराम खोलते वक्त खुशबू लगा देती थी उरवा रहमहुल्लाह से भी रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने आयशा रदी से सवाल किया कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम बांधते हुए कौन सी खुशबू लगाई थी तो उन्होंने फरमाया सबसे अच्छी खुशबू और एक और रिवायत में है कि सैदा आयशा ने फरमाया मैंने जरीरा नामी खुशबू लगाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इसी तरह आयशा रती से ये रिवायत भी है कि हम एहराम के वक्त अपने चेहरों पर खुशबूदार कोई जैसे क्रीम होती है महलूल वो कहती हैं कोई क्रीम लगा लेती थी जब पसीना आता तो हमारे चेहरे पर बहने लगता था और रसुल्ला मंजर देखते थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कोई एतराज़ नहीं करते थे हमें मना नहीं फरमाया आपने और लिहाजा इससे ये पता चलता है कि अहराम बांधने से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं चाहे फिर अहराम बांधने के बाद खुशबू आपसे आती भी रहे लेकिन अहराम जब एक दफ़ा बांध लिया नियत कर ली उसके बाद खुशबू आप नहीं लगा सकते आयशा आयशादी फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहराम बांधने के तीन दिन बाद तक भी आपसे मुझे उस खुशबू उस अः एहराम से पहले लगने वाली जो खुशबू थी उसकी स्मेल आती रही फिर जब जबा की मस्जिद से निकल पर सवार हुए सवारी पर तो आपने हज किरान की नियत फरमाई और हज किरान है कि जिसमें उम्र करने के बाद एहराम खोला नहीं जाता और बाकी दरमियान के जो दिन है उनमें भी एहराम की हालत में रहा जाता है जबकि दूसरे जो हैं है हजो वाले वो उम्र करके अहराम खोल देते हैं और दरमियनी दिन एक नॉर्मल गुजारते हैं और फिर आठ जल हज को दोबारा हज का एहराम बांधते हैं और आपने फरमाया लबई का उम्रतन उम्रता वजन अनदी लानो से रिवायत है वो फरमाते हैं कि रसुल्ला वसलम सुबह के वक्त वहां से सवार हुए जुल्हुलफा से और जब सवारी मैदान बैदा में पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्ला और अल्लाह अकबर कहा फिर आपने हज और उम्र दोनों के लिए लब्बैक कहा और लोगों ने भी हज और उम्र दोनों के लिए लब्ग कहा फिर यहाँ पर हमें एक रसोल्ला सल्ला वसलम का एक बड़ा खूबसूरत तरबियत का उसलोब और इसी तरह व्यूमन नेचर का एक पहलू नज़र आता है सईदा असमाँ बिनते अबी बकर बयान करती हैं कि रसोल्ला सल्ला वसलम ने अपने खेमे के बाहर आप बैठ गए एक इरज के मकाम पर तो सईदा आयशा आई और वो भी आपकी एक जानब बैठ गईं फिर अबू बकरो आए वो भी आपके साथ बैठ गए असमा बिनते मैस आईं जो कि अब बकरो की बीवी थी इनसे पहले जाफ़र रदी लनहों की बीवी थीं अगर आपको याद हो तो वह अबू बकर के पहलू में बैठ गईं फिर अब बकरों का एक ग़ुलाम खाली हाथ आया ग़ुलाम के पास एक ही ऊँट था जिसके ऊपर सामान था और कहा जाता है कि सामान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खाने पीने का अबू बकरानों ने देखा कि ऊँट के बग़ैर ग़ुलाम आ गया है तो पूछा कि ऊँट कहाँ तो गुलाम कहने लगा मुझसे गुम हो गया तो अबू बकरानो उठे ग़ुलाम को पीटने लगे और कहने लगे एक ऊँट था तुम्हारे पास वो भी तुम गुम कर आए यानी एक ऊँट की भी तुम हिफाजत नहीं कर सके अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे और आप मुस्कुराए और आपने फरमाया क्या तुम इस एहराम वाले शख्स को देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है और आपने इतना ही बात फरमाई आपने अबू बकर बकरों को मारने से मना नहीं किया और एक और रिवायत में आता है कि आपने फरमाया जरा इस मुहरम को देखो ये क्या कर रहा है यानी ही शुड बी डूइंग दिस ठीक है लेकिन यहाँ से ये भी पता चलता है कि बाज़ात आपको कोई तदीबी कार्रवाई अगर करनी पड़े तो आप कर सकते हैं अपने मुलाजमीन की और लेकिन उसमें कोई गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए और उनकी वाकई कोई ख़ता ऐसी हो तो फिर आप के जिससे फिर उनकी तरबियत भी हो अगर आप उनके साथ कोई सख्ती करते हैं तो फिर आप कर भी सकते हैं और फिर और मजीद जो रवायात है उनमें यह आता है कि सुफान बिन मअल आपको याद है ही पीछे रह जाया करते थे और ये गिरी पड़ी चीजें ला लाते थे तो ये आए और ये अबू बकर ऊँट अपने साथ ले आए इनको मिल गया और ऊँट पर सामान भी मौजूद था फिर रास्ते में अबवा के मकाम पर आपने एक मुकदमे का फैसला किया कि वहाँ पर ना दो लोग थे और एक सहाबी खुद ही बताते हैं कि मैंने अबवा में जाल नसब किया हुआ था और उस जाल में खिरनी गई और फंसने के बाद वो मुझसे छूट गई और भाग गई मैं उसके पीछे भागा तो मैंने देखा कि उसे एक और आदमी ने पकड़ लिया है अब हम दोनों उस पर झगड़ने लगे कि एक कहता था मेरी है दूसरा कहता था मेरी है तो हम नबी वसल्लम के पास लेकर आए मुकदमा तो आप वसल्लम ने फरमाया के इस हिरनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दो यानी दोनों आधा आधा गोश्त ले लें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेंगी लगवाई यानी पचने जैसे हिजामा कहते हैं ना और उस वक्त आप लही जमल के मकाम पर थे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादिय उस्फ़ान से गुजरे तो आपने फरमाया कि ए अबू बकरे कौन सी वादी है अबू बकर दिलानो जो है ना ये रास्तों के बहुत माहिर थे और जगहों के जैसे जोग्राफ़िकली उनको बहुत पता था इलाके का तो उन्होंने अर्ज़ की कि ये वादिय ऊस्फान है तो आप सल्ह वसल्लम ने फरमाया यहाँ से हुद और साल आसलम सुर्ख रंगों की जवान ऊँठनी पर सवार होकर गुजरे थे ऊँठनीों की मुहारें खजूर की छाल की बनी हुई थीं अबाएँ उनके तहबंद थीं और उन्होंने ऊनी चादरें ओढ़ रखी थीं वो तलबिया पुकारते हुए बैतुल्ल का हज कर रहे थे वो आ, कुरान में आता है ना अव्वल अवलनासी जो पहला घर है अल्लाह का आ, लल्लदी भी बक्का वो वो है कि जो बक्का में है तो आ, हर नबी ने इधर ही हज किया है और एक दूसरी रिवायत में आता है कि अब्दुल्ला बिन फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया कि मैं इस वक्त मूसा को देख रहा हूँ वो लब्बैक कहते हुए वादी के नशेब में उतर रहे है। हैं इसी बुखारी की रिवायत है और सही मुस्लिम में इतना इजाफा है कि मूसा अलै सलाम कानों में उंगलियां डाले बुलंद आवाज से तलबिया पुकारते हुए इस वादी से गुजर रहे हैं इसी तरह एक और रिवायत में इब्राहिम अलै सलाम का जिक्र है एक और रिवायत में ईसा अलै सलाम के मुतलक ये आता है कि फज्र रौहा से उन्होंने अहराम बांधना है जब उन्होंने हज करनी है जब उन्होंने में दोबारा आना है इस दुनिया में इन और यही जगह है उस्फान के जिस जगह पर हिजरत के वक्त सुराका बिन मालिक ने आके आपको आप तक पहुंचा और घोड़ा उसका उनका धस गया और उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान हासिल की थी फिर सईदा आयशा रदी तमत की खबिन के लिए किस तरह रहमत का बायस बनती हैं इस हज के दौरान के फरमाती हैं कि रसोल्ला सल्ला वसलम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा युबकी की कि या हंता हूँ ए भोली भाली या डेरेस्ट ए प्यारी तुम क्यों रो रही हो तो मैंने अर्ज़ की या रसोल्ला मैंने आपकी वो गुफ्तू सुन ली है जो आपने अपने सहाबा से की है जो आप सल असम ने हज किरान से हज तमत्तों की तरफ उनको लाए और उनको कहा था कि उम्र करके आप लोगों ने एहराम खोल देना है तो आपने फरमाया क्या बात है तो अर्ज की कि मैं नमाज के काबिल नहीं रही यानि ये एक किनाया था एक अदब का तकाजा है कि बजाय डायरेक्ट बात करने के तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं नमाज के काबिल नहीं रही तो आपने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं है तुम भी तो आदम की बेटियों में से हो और अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में वही कुछ लिखा है जो दूसरी औरतों के लिए लिखा है तुम उमरा छोड़ दो यानी अब तो जाहिर है उमरा तो नहीं हो सकता और हज कर लेना और शायद अल्लाह ताला तुम्हें उम्र भी नसीब कर दे तो फिर सैदा कहती हैं कि हम हज के लिए रवाना हुए हती कि जब मिना आए तो मैं हैज़ से पाक हुई और फिर मैं मिना से रवाना हुई और गसल के बाद बैतुल्ला का तवाफ़ किया इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती थी कि जिससे ये पता चल जाए कि औरत हज की नीयत को निकली और हाइज़ा हो गई तो फिर वो हज कर सकती है या क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती तो सैद आयशा के थ्रू अल्लाह ताला ने ख़ीन के लिए बहुत आसानी कर दी और इतनी बायस रहमत तालीमत हमें मिली फिर रसोल्ला सल वसम जब ख़ाना कबा पहुँचे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद का इस्तेमाल किया है और अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है कि बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर असवद और रुकन यमानी के सिवा बैतल् के किसी कोने को हाथ नहीं लगाते थे और बोसा सिर्फ हजर असवद को ही दिया जाएगा रुकन यमानी को नहीं और लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंस सच नहीं है सिवाय इसके के ये सुन्नत है ये ही सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है और इसीलिए उमर रदीला जब अपने दौरे खिलाफत में आए थे मदीना तो उन्होंने हजर इस को भुस्सा दिया और साथ लोगों का एक अकीदा दुरुस्त करने के लिए ये फरमाया था कि मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है ना किसी को नुकसान दे सकता है ना फ़ायदा अगर मैंने अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा न देता अब मुख्तलिफ रिवायात को अगर हम सामने रखें तो हमें नबी अलैहि वसल्लम के तवाफ की और हजर असरत के इस्तेलाम की मुख्तलिफ जो बातें पता चलती हैं नंबर एक इब्तदाय तवाफ के लिए अल्लाह वक्त कहना नंबर दो हाथ से हजर असरत को छूना नंबर तीन हाथ से ना छू सकें तो हाथ से छूकर हाथ को चूम लेना नंबर चार छड़ी से छूकर दूर से छड़ी से छूकर और ये मुमकिन होता है खासतौर पर जब आप सवारी पर हूं आप सर ऊंट पर जब सवार थे तब आपने ये किया था छड़ी से छूकर छड़ी को चूम लेना ठीक है यानी जो चीज आपकी हजर असवद को छू गई तो उसको चूम लेना फिर हजर असद को बराह रास्त चूमना और दूर हो तो इशारा करना और आजकल सबसे ज्यादा जो डूएबल है वो दूर का इशारा ही है दूर से ही इस्तेम है फिर इस्तेम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल तवाफ किया है जिसमें पहले तीन चक्कर आपने रमल किए हैं अब सुलह हुदैबिया के बाद जो कज़ा हुआ था उसमें तो रमल किया ना कि कुफार देख रहे हैं कि शायद मुसलमान कमजोर हो गए लेकिन अब इस तरह का कोई इश्यू नहीं था लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल को कायम रखा है तो तीन चक्कर रमल के साथ मत अदा करेंगे और चार चक्कर आम रफ्तार से पैदल और हर चक्कर में हजर असद और रुकन यमानी का इस्तेमाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो तवाफे ज़ियारा है ना बाद में वो आप अलैहि वसल्लम ने सवारी पर किया था और रुकन यमानी और हजर असद के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे रबना आतीना फ़िल दुनिया हसनतों फिल आख़रत अज़ाब नार ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आख़िरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा और हजर असवद के अलावा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने काबा के किसी साइड को किसी आ, ना छुआ है और ना चूमा है और ना ही तवाफ के कोई मखसूस अजकार या मुख्तलिफ़ चक्रों की मुख्तलिफ़ दुआएँ आपने बताई हैं फिर आप सल्ह वसल्लम ने तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर दो रकतें अदा किं जमज़म के कुएं की तरफ आए वहां से पानी पिया और कुछ पानी अपने सर पर भी डाला फिर वापस हजर असद की तरफ आए उसका इस्तेम किया और फिर सफ़ा पहाड़ी की तरफ बढ़े और फिर ये आयत आपने तिलावत फरमाई इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह और फिर फरमाया अब दाउ बिमा बदा अल्लाहु बिही मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह ने इब्तिदा की फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी से इब्तिदा की और उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपने बैतुल्लाह को देख लिया फिर आप किबला रूह हुए और आपने तीन बार अल्लाह अकबर कहा फिर आपने फरमाया आपने अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की इन अल्फाज में ला, ला शरीक लहु। लहु वहु वा शरीक लहू लहुल मुल्क व अलाजब व नबदाह व हजम वाह और ये मुख्तलिफ़ मौक़े पर यह बड़ाई बयान की है आप वसल्लम ने अल्लाह की अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी की बादशाही है और उसी की तारीफ़ है वो हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह अकेले के सिवा कोई इला नहीं जिसने अपना वादा पूरा किया अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा उसी ने सारे लश्करों को शिकस्त दी सबहान और फिर आप अलैहि वसल्लम ने सही जो है वो जरा तेज चल के की और आपने फरमाया वादी को दौड़े बगैर अबर ना करो और फिर मजीद फरमाया कि सफा और मरवा के दरम्यान सही करो बिलाशुबा अल्लाह तला ने तुम पर सफा और मरवा के दरम्यान सही को फर्ज करार दिया है और मरवा पर जब आप चढ़े तो आम रफ्तार से चले हती के मरवा पर पहुंच गए और फिर वहां पर भी वही अमल दोहराया जो कोहे सफा पर दोहराया था और सही जो है ना सफा मरवा की ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू तो पैदल की थी लेकिन बाद में जब एक जमघट्टा लोगों का आपके गिर्द बन गया और जो अजनबी लोग थे वो कहने लगे ये मोहम्मद हैं ये मोहम्मद हैं हती के नौजवान औरतें भी आपकी ज्यारत के लिए अपने घरों से निकल आईं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों को हटाने के लिए मारा पीटा नहीं जाता था जब आपके रस्ते पर लोगों का हजूम हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए लिहाजा इब्ने कय्यम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सई की इब्तिदा पैदल की फिर बाद में सवार होकर सई को मुकम्मल किया था और ये भी आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज किरान किया लेकिन सहाबा को आपने कहा कि जो कोई कुर्बानी साथ नहीं लाया तो वो फिर हज तमत्तो कर ले अपने चेंज कर ले अपने जो हज का और हज किरान की नीयत थी उसको उम्र में तब्दील कर ले और एहराम से फारग हो जाए उमरे के बाद और फिर दोबारा आठ सेल हज को अहराम बांधे और अजवाज मुताज जो हैं ये सब एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हुई थी और सिवाय आयशा के क्योंकि उन्होंने तवाफ़ नहीं किया था और वो हैज़ की वजह से अभी हालत हराम ही में थी और ये इतनी प्यारी बात है कि फ़ातिमा रदी भी एहराम से फारिग हुई रंगीन कपड़े पहने सुरमा लगाया और अली रदीलानहो यमन से आए उन्हें अब कुछ पता नहीं था वो तो समझे कि सबने अब हज के बाद ही आराम से फ़ारिग होना है उन्होंने सैदा फातिमा को देखा बने सवरे तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये आपने कैसे इतना कुछ लगा के बैठी हुई हैं तो उन्होंने कहा मुझे मेरे वालिद ने हुक्म दिया और फिर हजरतली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाँ मैंने ही हुक्म दिया है और ये भी उम्मत पर एक बहुत बड़ा रहम है ये जो हज तमत्तो है ना कि पहले उम्रा करके उससे फ़ारग हो जाना नॉर्मल फिर उसके बाद हो जाना चाहे उसमें दरम्यान में कितने ही दिन हैं तो फिर उसके बाद आठ हज को दोबारा का और फिर हजो अरबों को जरा ना इससे थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक था वो एक ही सफर में हज और उमरा करना गुनाह समझते थे बहुत बड़ा तो सुराका बिन मालिक ने इस वक्त पूछा था कि यार वसल्लम ये हज की नीयत चेंज करके उसको उम्र बनाने का हुक्म सिर्फ इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए तो आपने फरमाया ये हुक्म हमेशा के लिए है उम्रा हज में दाखिल हो गया है फिर आप अलैहि वसल्लम ने हजून के मकाम पर कयाम किया था बल्कि अब तह में आप कयाम पजीर हुए जो हजून के करीब है और फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना उम्र कर लिया था ना तो फिर उसके बाद आप काबा दोबारा नहीं तशरीफ़ ले गए यहाँ तक कि हज मुकम्मल हो गया अरफात से वापस आकर आपने तवाफ़ जियारा किया या तोाफ़ इफाज़ा भी उसको कहते हैं तो इबन हजर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वे जो दोबारा नहीं तशरीफ़ ले गए ना किसी भी नफली तवाफ़ के लिए तो लोगों की सहूलत के लिए कि लोग उसको फर्ज ना समझें या लोगों को तकलीफ ना हो तो इमाम मालिक तो कहते हैं कि हज से पहले हाजी नफली तवाफ करे ही नहीं लेकिन दूसरे ये कहते हैं कि जो दूर से आए हैं वो नफली तवाफ कर लिया करें लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो और सईदना अली अली रदीलान्हों जब वापस आए हैं यमन से उनके साथ मालिक गनीमत भी था और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि यानी ये लोग तो हलाल हो गए तो अब मैं क्या करूँ तो आपने फरमाया कि तुमने हज की नीयत क्या की थी तो अली रदिलानो ने अर्ज की कि यारसोल्ला मैंने वही नीयत की जो आप मैंने कहा था कि मेरी वही नीयत है जो आपकी नीयत है तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे साथ कुर्बानी है कि उनके पास नहीं थी कुर्बानी तो आपने फरमाया कि तुम एहराम की हालत में ही रहो और तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मेरे ही जानवरों का एक तहाई हिस्सा तुम्हारा हो गया यानी हजरत अली को भी हज किरान ही फिर करवाया अलैहि वसल्लम ने अच्छा अब ये जो है कि ये नियत करना कि हमारी वही नियत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये हजरत अली का जो था तरीका कार ये अब नहीं किया जा सकता क्योंकि उस वक्त तो अभी एहकाम पूरे समझ ही नहीं आए हुए थे ना तो मनासे के हज तो इस हज में पता चले तो लिहाजा अब क्लियर कट आपकी नीयत होनी चाहिए हज की इसी तरह से अबू मूसा अशरी जब आए हैं तो उन्होंने पूछा अपने हज के बारे में तो आपने फरमाया बिमा अहलता तुमने किस नीयत से आराम बांधा तो अबू मूसा कहते हैं मैंने भी यही कहा था कि जिस नीयत से नबी सल वसलम ने आराम बांधा तो आपने फ़रमाया तुम्हारे पास हदी है मैंने अर्ज़ किया नहीं तो आपने फ़रमाया कि तुम उम्र करो पहले और फिर अपना तुम एहराम खोल दो और उसके बाद आठ जिल हज को दोबारा एहराम बांधना तो मैंने फिर उम्र के बाद एहराम खोल दिया और उसके बाद मैं अपने घर वालों में से एक औरत के पास आया उसने मेरे बालों में कंगी की या मेरा सर धोया और आप सल्हसम के साथ अली रदीलानों के साथ साथ ज़ुबैरबिलवाम रदीलानों और अब्दुलर बिन औदी जो ये जरा अमीर कबीर साहबा थे ना ये हदी लाए हुए थे तो इन्होंने फिर किरान ही किया है फिर आठ जिलहज को रसुल्लाम ये जमेरात की सुबह थी और आप मीना की तरफ चले और मीना में आपने जहर असर मग़रब इशा कसर अदा की और फिर उसके बाद आप नौजिल्हज की सूरज तलु हुआ तो जुमे का दिन था और आप मैदान अरफात चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को ये हुआ कि शायद आपका रोज़ा हो तो जो जोफज़ल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची भी लगती हैं तो उन्होंने दूध का प्याला भेजा और उस वक्त आप ऊँट पर सवार थे तो वो जो प्याला है दूध का आपने पी लिया तो लोगों को पता चला कि आपका रोज़ा नहीं है हाजी को अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए गैर हाजी को रख लेना चाहिए फिर इसी तरह से आप अलैहि वसल्लम अरफात तशरीफ़ ले गए और आप जब नबी नहीं बने हुए थे और दौर जाहिलियत के लोग जब हज करते थे तो आप तब भी अरफात जाया करते थे और ये जुबैर बिन मतिन कहते हैं कि दौर जाहिलियत में हज के मौके पर मेरा एक ऊंट गुम गया तो मैं उसे ढूंढता ढूंढता अरफ़ात पहुंचा तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरफात में खड़े हैं तो मैंने कहा कि ये मोहम्मद तो अहल हम्स में से हैं यानी कुरैश में से हैं अलीट में से हैं तो ये अरफ़ात में आम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जो है ना ये कुरैश की औरतें भी वो खुद कहती हैं कि हम आम लोगों से तो बात ही नहीं करते थे और हम बहुत अपने आप को एलीट समझते थे तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने वो दौरे जाहिलियत की सारा तकबर निखवत खत्म करने के लिए अरफात ही को हज का सबसे बड़ा रुकन करार दे दिया और फरमाया अल कि जो अरफात नहीं आएगा तो उसका तो हज हो गई नहीं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया हज के मौके पर उसको ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं आप अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा लाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर ही वो अपना अज़ीम शशान और जाम खुतबा इरशाद फरमाया आपने फ़रमाया तुम्हारा खून तुम्हारा माल एक दूसरे पर इस तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे इस महीने में तुम्हारे इस शहर में आज का दिन हराम है आगाह रहो कि जाहिलियत के कामों में से हर चीज़ मेरे कदमों के नीचे पामाल हैं मैं जमाना जाहलीत के खून माफ़ करता हूँ और सबसे पहला खून जो मैंने माफ किया वो रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का खून है जो साद में दूध पीता बच्चा था आपने फरमाया मैं जमाना जाहिलियत का सूद भी पामाल करता हूँ और सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सारा सूद माफ़ करता हूँ फिर आपने फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरो और फिर आप आ, ने फरमाया कि तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर ऐसे आदमी को ना आने दें जिसे तुम ना पसंद करते हो और अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें मार सकते हो मगर ऐसी मार नहीं जो निशान छोड़ जाए इसी तरह औरतों का तुम पर हक है कि तुम उन्हें हंसब तोफी खाना पीना और लिबास फराहम करो और मैं तुम में एक चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ अगर तुमने उसे मजबूती से थामे रखा तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे और वो है अल्लाह की किताब फिर फरमाया तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे कितना ये एक जज्बाती वक्त होगा तो साहबा ने अर्ज़ की कि हम गवाही देंगे कि आपने हमें अल्लाह के काम पहुंचा दिए और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और आपने खैर खाही की और नसीहत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और लोगों की तरफ उसको फिर किया दोबारा और फ़रमाया अल्लाह गवाह रहना अल्लाह गवाह रहना ए अल्लाह गवाह रहना फिर जब रसुल्ल व खुतबा इरशाद फरमा चुके तो आपने बिलाल रदी लानों को अजान का हुक्म दिया तकबीरत कही गईं और आपने जोहर की दो रकतें पढ़ाईं फिर दोबारा अकामत कही गई और आपने असर की दो रकतें पढ़ाईं और आप सल्हस ने जोहर और असर के दरमियान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी यानी जमा और कसर किया और अरफ़ात के दिन रसोल्ला सल्ह्व ने दुआ के दौरान में हाथ बुलंद किए अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदीलानो कहते हैं कि मैंने अरफा के रोज़ वसल्लम को देखा आपने बारगाह इलाही में इस तरह अपने दोनों हाथ सीने तक बुलंद कर रखे थे जिस तरह कोई मिसकीन खाना मांगता है सुभान अल्लाह किसी को मांगना है अल्लाह से तो फिर इस तरह मांगे सही तना बिन जैद कहते हैं कि मैं अरफात में नबी अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था आपने अपने हाथ बुलंद किए आपकी सवारी झुकी और उसकी लगाम गिर गई तो आपने एक हाथ में लगाम थामी और दूसरा अपना हाथ जो है ना वो बुलंद ही रखा यानी इस तरह आपने हाथ फैलाकर अल्लाह से उस दिन लगातार दुआ मांगी है हाथ नीचे आए ही नहीं और फिर फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ रफा के दिन की दुआ है और सबसे बेहतर कलिमात वो हैं जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कहे لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير फिर आपने अरफात के लिए वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनके लिए एक अजीम शान खुशखबरी दी कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला लोगों को अरफा के दिन से बढ़कर जहन्नम से आज़ाद करता हो वो अपने बंदों के करीब होता है और फरिश्तों के सामने उन पर फख्र करता है और इर्शाद फरमाता है कि ये लोग क्या चाहते हैं फिर इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के हाँ अरफा के दिन से बढ़कर और कोई दिन अफसल नहीं है उस दिन अल्लाह इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और अहल आसमान के सामने अहल ज़मीन पर फख्र करते हैं और फरमाते हैं मेरे बंदों को देखो परागंदा बालों और चेहरों के साथ खुले आसमान तले जमा हैं ये हर दूर दराज रास्ते से आए हैं ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं हालांकि इन्होंने मेरा अजाब देखा नहीं अरफा के दिन जितने लोग जहन्नुम से आज़ाद किए जाते हैं इतने और किसी दिन आज़ाद नहीं किए जाते और यहीं पर फिर वो तकमील दीन की आयत का नज़ूल हुआ अलम अकमल तोलकुम दीनकुम वम तुम नती इस्लाम दीना उमर रदीलान्हों ने जब ये आयत करीमा सुनी तो रोने लगे तो आपने पूछा ए उमर तुम्हें किस बात ने रुलाया तो उमर कहते हैं कि मुझे इस बात ने रुलाया है कि हम खैर की वसत चाहते थे यानी दीन में ज़्यादा रहनुमाई और रहमत और बरकत के तलबगार थे मगर अब ये चीज़ मुकम्मल हो गई है और जब कोई चीज़ मुकम्मल हो जाती है तो फिर तो कोई कमी बाकी नहीं रहती तो फिर तो कुछ नहीं आएगा अब आसमान से तो आपने फरमाया सदकता तुमने सच कहा इब्ने कसीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर थी जो के उमर हो समझ गए थे और इस आयते करीमा के बाद 80 दिन बाद आपकी वफात हो गई थी और एक यहूदी बाद में سيدنا उमर बिन खताब रदीलान्हु के पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मुमिनीन आपकी किताब में एक आयत हम पढ़ते हैं अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उसके नज़ुल के दिन को ईद बना लेते तो आपने पूछा कौन सी आयत तो उसने यही आयत पढ़ी अल्यूमा अखमल तोलकुम दीनकुम तो सईद नामर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं ख़ूब जानता हूँ कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई और कब नाजिल हुई ये जुम्तुलमबारक के दिन अरफ़ात में नाजिल हुई फिर अरफ़ात ही में एक हाजी जो है वो अपनी सवारी से गिर के फौत हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसे इसके अहराम वाले दो कपड़ों ही में कफना दो इसे खुशबू ना लगाना सर ना ढाँपना और हनूत ना लगाना क्योंकि अल्लाह ताला उसे क़्यामत के दिन इसी हाल में उठाएगा कि वो लब्बैक कह रहा होगा और आप देखिए कि एक हज के अंदर ये भी कितना बड़ा मुजा है कि हर किस्म की जो इशू है ना उसके साथ डील कर लिया गया अरफात से मुजलफ़ा रवानगी हुई और ये तकरीबन सूरज के वाजरूब हो जाने के वक्त हुई थोड़ी बहुत जर्दी भी गायब हो चुकी थी और आपके पीछे उसामा रदी बैठे हुए थे और ये आपकी इंतहाई आज़ी और इनके सारी है कि आप कोई छोटा बच्चा कोई एक बिल्कुल जैसे कोई जैसे जैसे कहते हैं ना इनसिग्निफिकेंट सा एक अपने पीछे बिठा लेते थे सुबहानल्ला और यह आपकी तरबियत का भी एक अंदाज था तो साथ साथ आपने देखा कि लोग तेज़ी तेज़ी से अब इम्पेशन होकर निकलने लगे हैं तो आपने फ़रमाया अय्यूअन्नास असकीना असकीना ऐ लोगों सुकून और इतमिन से चलो और फिर मुजलफ़ा पहुँच कर मग़रब और इशा की दोनों नमाज़ें एक अज़ान और दो अकामतों के साथ आपने पढ़ी हैं एक बात बड़ी ही मुझे प्यारी लगी ऑल दो जो हदीस है ना उसके बारे में आता है कि वो कुछ उसके अंदर जोफ़ है लेकिन ये है कि उसामा बिन जैद जो है ना वो पीछे बैठे थे शुरू में तो एक हदीस है ना वो तो सही बुखारी की है कि वो बार बार पूछते थे कि नमाज तो आपने फरमाया नमाज़ की जगह आगे है फिर वो आपने एक जगह पे वज़ू किया लेकिन वो इतना कामिल वज़ू नहीं था तो उन्होंने पूछा नमाज तो आपने पूछा नमाज आगे तो ये तो सही बुखारी की हदीस है फिर इसी तरह से कुछ और रवायात हैं कि जिनमें आता है कि उसामा बिन जैद रजीलानो कुछ ना कुछ सवाल करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में उन्हें कहते थे या उसैम या उसैम तो मुझे बहुत प्यारा लगा मैंने कहा कि अगर किसी का किसी ने कोई निक नेम देना हो तो वो प्यार से उसामा उसैम भी कह सकता है नबी अलैहि वसल्लम जो नाम भी देते थे वो इतने खूबसूरत और नफीस होते थे जैसे आयशा को आयश फिर मुज़दलिफा रात आपने आराम करके गुजारी है और फिर सौदा रदीलाना ने आप अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि मैं सुबह तो बहुत रश होना है तो मैं मिना पहले चली जाऊँ वो ज़रा भारी जिस्म की थी तो आपने उनको इजाज़त दे दी और आयशा रदीलाना कहती हैं कि सुबह जब हमें भी हजूम में निकलना पड़ा तो मुझे ख्याल हुआ कि काश मैं भी इजाज़त ले लेती सौदा की तरह पहले निकल जाने की और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन बब्बा भी कहते हैं कि जिन लोगों को आपने मुदतलफ़ा की रात पहले अपने अहिल खाना के को भेज दिया था कमज़ोर अफराद को तो उनमें मैं भी था फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदलिफ़ा की जो फजर है वो बहुत अर्ली पड़ी और फिर मुजलफ़ा से आप निकल कर मदीना तशरीफ़ लाए सूरज तलु होने से पहले आप रवाना हो गए और इसमें आपने मुशरकिन के अमल के खिलाफ किया क्योंकि वो अच्छी तरह से जब उनका सबीर पहाड़ चमक उठता था सूरज की श्वाओ से तो तब वो निकलते थे मुस्तलिफा से तो आपने उनकी मुखालिफत की फिर दसवीं जिलहज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को कंकरिया जमा करने का हुक्म दिया और फिर आपने अः जो हैं वो मारी जमरात को पहले दिन सिर्फ जमरा अकबा को और दूसरे दिन और तीसरे दिन तीनों तीनों दिनों तीनो को और एक इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ जब आप मुस्तलफ़ा से मिना वापस तशीफ ला रहे थे तो उस वक्त आपके पीछे फजल बिन अब्बास थे ठीक है अरफात से मुजलफ़ा उसामा बिन जैद और मुजलफ़ा से मिना फजल बिन अब्बास और जब वो थे ना ऊँटनी पर तो उसामा बिन जैद जो है वो आगे आगे भाग रहे थे आपके और सईदना फजल जो है ये इंतहाई हसीन और गोरे चिट्टे और बड़े खूबसूरत बालों वाले हैंडसम नौजवान थे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ये बैठे हुए थे तो कबीला ख़सम की एक औरत आई और फजल उसको देखने लगी और वो फ़ज़ल को देखने लगी तो नबी अलैहि वसल्लम ने फजल का मुंह दूसरी तरफ़ फेर दिया कितना प्यारा ये भी एक अंदाज़ है और उस औरत ने फिर सवाल पूछा कि यार रसोल्ला अल्लाह ताला का जो फरीजा हज है ये मेरे बूढ़े बाप को अब पहुंचा है लेकिन वो तो सवारी पर बैठ भी नहीं सकता तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ तो आपने फरमाया कि हाँ ये मुहसर से आप वैसे तो आप सुकून के साथ चल रहे थे ना ये मुहसर में आपने अपनी ऊँटनी को तेज किया और ये वजह ये कय्यम बताते हैं कि यहाँ पर संग बारी हुई थी असाबील पर और आपका तरीका मुबारक ये रहा है कि महजब जो कौमें हैं यानी जिन पर अजाब हुआ तो वहाँ से जब आप गुज़रते तो तेज़ी से और इसफ़ार करते हुए आप गुज़र जाते थे और सही जन जाव फ़रमाते हैं कि नबी अक्रम सल्ह वसम ने कुर्बानी वाले दिन आगाज़ चाश्त के वक्त रमी फरमाई और बाकी दिनों में जवाल के बाद और वैसे तो कोई सच दुआ मनकूल नहीं हैं लेकिन

और अरफ़ात वाले खुतबे की जो बातें हैं वो भी दोहराई हैं और कुछ बातें इसमें आपने नई भी फरमाई हैं मसलन खबरदार चार चीज़ें हैं जो ईमान का हिस्सा हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है उसे हरगिज़ कत्ल ना करो मगर हक के साथ जिना ना करो और फजूल खर्ची ना करो फिर इसी दिन नहर के दिन वाला जो खुतबा है इस दिन आपने वो मशहूर बात भी फरमाई जो कि हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं कि ख़बरदार मैं हौज़ पर तुम्हारा पेश रो हूँ गोया मैं तुम्हें देख रहा हूँ बिलाशुबा मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दूसरी उम्मतों पर फखर करूँगा सो तुम मुझे शर्मिंदा मत करवाना ख़बरदार तुमने मुझे देख भी लिया है और मेरी गुफ्तु भी सुन ली है बहुत जल्द तुमसे मेरे मुत्ल सवाल होगा सो जिसने मुझ पर कोई झूठ बांधा वह अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले सुनो मैं कुछ अफरा को जहन्नुम से छुड़ाऊंगा और कुछ लोग मुझसे छीन लिए जाएंगे और जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे मैं कहूँगा ए मेरे रब ये मेरे साथी हैं तब मुझसे कहा जाएगा आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके बाद क्या क्या नए करतूत किए थे यानी दीन में क्या क्या नई चीजें ऐड कर ली थी फिर एक और खूबसूरत हदीस जो आप वसल्लम की हम पढ़ते हैं वो भी इसी खुतबे का हिस्सा है नहर वाले दिन का

तीन बातों में मोमिन का दिल ख़यानत नहीं कर सकता अल्लाह के लिए अमल में मुसलमानों के उमरा की खैर ख्वाही में और उनकी जमात को लाजिम पकड़ने में क्योंकि उनकी दुआ दूसरों को भी शामिल होती है फिर फरमाया अगर काले गुलाम को भी तुम पर अमीर बना दिया जाए जो अल्लाह की किताब के ज़रिए तुम्हारी क़्यादत करे तो तुम उसकी बात सुनना और इतात करना और एक सहाबी हैं रहमान बिन मौज, तैमी ये रदी लानु, ये कहते हैं कि मिना मी रसलील्ला वसम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया तो अल्लाह ताली की तरफ से हमारे कान खोल दिए गए हम अपनी अपनी जगहों पर थे और वो सब कुछ सुन रहे थे जो आप फरमा रहे थे और इस मौके पर आपने लोगों को अलविदा कहा और इसी वजह से इस हज को हजतल कहते हैं और आपने ये भी फरमाया था योम अकबर और फिर आप बार बार इर्शाद फरमा रहे थे अल्लाह मशहद अल्लाह मशहद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानियों में हम जानते हैं कि हम अभी हमने पढ़ा कि अली रदिलानो को भी शरीक किया था और त्रेसठ ऊंट आपने अपने हाथों से नहर फरमाए बाक़ी अली रदीलान्हों को नहर करने के लिए दिए और इब्नबान रिम्ला फरमाते हैं कि कुर्बानियों की तादाद की मुनासिबत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तेसठ बरस है अजवाज मतहारात की तरफ़ से आप अलैहि वसल्लम ने एक गाय कुर्बान की और आयशा रदीलाना फरमाती हैं कि कुर्बानी के दिन हमारे सामने गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने पूछा ये कैसा गोश्त है तो लाने वाले ने बताया कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से कुर्बानी की है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया था और सर मुंडवाने वालों के लिए बार बार दुआ की थी और फिर बाद में मुकदसरी यानी सर जो बाल तरछवाने वाले हैं उनके लिए भी दुआ की फिर अहराम खोला तोाफ़ ज़ियार से पहले आपने खुशबू लगाई लेकिन तोाफ़ जियारा से पहले कोई अपनी बीवियों के पास नहीं जा सकता फिर उस दिन आप अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ ऑर्डर लेकर लोग आते रहे कि यार रसोल्ला मैंने कुर्बानी से पहले सर मु लिया तो आपने फरमाया इस बाबला खर्ज अब कुर्बानी कर लो कोई हर्ज नहीं एक ने आकर कहा कि यार रसुल्ला मुझे पता नहीं चला और मैंने रमी करने से पहले कुर्बानी कर दी आपने फरमाया इर्मी वाला खर्ज कोई हर्ज नहीं अब रमी कर लो लिहाजा तकदीमो तखिर के अतबार से कुछ भी आपसे उस दिन पूछा गया तो आपने फरमाया इफ़ल वाला खर्ज अब कर लो कोई हर्ज नहीं है और फिर तवाफ़ ज्यारह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर किया है और आयशा रदीलाना कहती हैं के रसोल्ला वसलम ने हजरतल के मौका पर बैतुल्ला का तवाफ अपने ऊंट पर सवार होकर किया और आप दूर से हजर असवद का इस्तेम कर रहे थे कि कहीं लोगों को तकलीफ ना हो और आपने दस दिल हज को जोर के वक्त तोाफे ज्यारा कर लिया था और उसके बाद आपने जमजम नोश फरमाया और अब्बास रदीलानू इन लोगों के जिम्मे था ना शिकाय आपको पता है न तो ये उस वक्त भी आ, हज हाजियों को पानी पिला रहे थे सईदाना अब्बास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमज़म के चश्मे के पास आए तो अब्बास ने रदी ने अपने बेटे फजल से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ और रसोल्ला सल्ह वसलम के लिए मशरूब लाओ तो आपने फरमाया मुझे इसी से पिलाएं तो अब्बास रदीलानों ने अर्ज की कि यार रसोल्ला इसमें लोग हाथ डालते हैं तो आपका हम अलग आपके लिए रखा हुआ हम आपको देते हैं तो आपने फरमाया नहीं मुझे इधर से ही पिलाओ तो फिर आपने उसी चश्मे के अंदर से आपने पानी पिया और आपने ये भी फरमाया कि आप अपना काम करते रहें यानी अब्बास रदी हो जो पानी पिला रहे हैं और अगर ये अंदेशा ना होता कि तुम लोग मगलूब हो जाए हो जाओगे तो मैं भी उतर कर रस्सी अपने कंधे पर रख लेता और मैं भी पानी पिलाने लग जाता हाजियों को और वजह मीनिंग के अगर मैं उतर पड़ा तो बाकी सारे लोग भी बीच में उतर पड़ेंगे और तुम लोगों के लिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एयाम तशरीक जो हैं वो मिना में बसर फ़रमाए और यहाँ भी आपने वक्तन फवक्तन कुछ बातें फ़रमाई हैं आपने फ़रमाया जन्नत में मुसलमान के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा और ये अयाम यानि तशरीक खाने पीने के दिन है मिना में रातें गुजारना वाजिब है आप अलैहि वसल्लम ने पानी हाजियों को पिलाने वाले और चरवाहे और इस तरह के जो ड्यूटी वाले लोग हैं उनको इजाज़त दी थी मीना से बाहर रात गुजारने की वरना अदरवाइज़ बिना में रात गुजारना हज के अरकान में से है और बिल्कुल भी इसको लाइट नहीं लेना चाहिए जैसा कि आजकल हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है और अयाम तशरीक में भी आपने खुतबे दिए हैं और एक जगह पर आपने फ़रमाया कि ए लोगो आगा रहो तुम्हारा रब एक है तुम्हारा बाप भी एक है किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर किसी सुरख को सयाह पर और किसी स्याह को सुरख पर कोई बर्तरी हासिल नहीं अगर किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल हो सकती है तो वो तकवा की बुनियाद पर हो सकती है क्या मैंने तुम्हें बात पहुँचा दी और ये बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते रहे हैं और फिर

का हज जो है वो मुकम्मल हुआ और जब आप वापस आने लगे तो सैद आयशा ने अर्ज़ की कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तमाम अजवाज मतःहरा हज और उम्र दोनों करके जा रही हैं और मैं सिर्फ़ हज लेके जा रही हूँ तो ये तो फिर बात बड़ी गलत हो गई मेरे साथ तो आप सल्ह वसम ने उनको अब्दुलरहमान अबू बकर उनके भाई के साथ भेजा तनईम से एहराम बांध के वो तो तशरीफ़ ले गई उन्होंने उम्रा किया और फिर वो वापस आईं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलीं और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिल जोई थी जो उन्होंने सैद आयशा के लिए की थी वरना वैसे उनका आ, हज तो हो गया हुआ था और फिर तवाफ़ विदा किया आप सल्ला वसम ने और सैदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं के लोगों को हुक्म दिया गया कि सबसे आखिर में तुम्हारा अमल बैतुल्ला का तवाफ होना चाहिए अलबत् को तकफीफ कर दी गई उस पर कोई दम वगैरह नहीं है अगर वो तवाफ़ विदा ना कर सके प्रोवाइडेड कि उससे पहले तवाफ जियारा वो कर चुकी हो और यहाँ पर एक जो हज के बाद आपने फ़जर की नमाज़ जमात के साथ हरम में पढ़ाई है तो उसमें सैदा सलमा बीमार हो गई थी तो उनको आपने फ़रमाया था कि जब सब जमात में होंगे ना तो हरम ज़ाहिर फिर खाली होगा तो तुम पीछे पीछे ऊँट पर तवाफ कर लेना अपना ना तो वो फरमाती हैं कि आ, मैं तवाफ़ कर रही थी और आप अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा थे पढ़ा रहे थे फजर में और आप सुरह दूर की तिलावत कर रहे थे और फिर सहाबा ने ज़मज़म स्टोर भी किया साथ ले कर भी गए और सैदा का ये एक तरीका रहा हमेशा कि वो जमज़म ले कर जाया करती थीं इसी मौके पर सात बेनबी वक्स बीमार हुए और इतने बीमार हुए कि उन्होंने समझा कि मेरी मौत का वक्त आ गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछने गए तो उन्होंने कहा कि यार रसोल्ला मैं बहुत मालदार हूँ तो मैं अपना सारा माल सदका ना कर दूँ मेरी सिर्फ़ एक बेटी है तो आपने फ़रमाया था कि एक तहाई सदका करो और एक तहाई भी बहुत है और ऐसे में सात बिन अभी वकास रोने लगे कि कहीं मुझे मक्का ही में मौत ना आ जाए जिस जगह से मैं हिजरत करके गया मुझे उसी जगह पे मौत ना आ जाए और एक सहाबी थे सात बिन खौला जिनकी मक्का ही में वफात हुई थी तो वो उनको याद आ गए कि उन्हीं की तरह मेरी भी कहीं मक्का में वफात ना हो जाए बहरहाल अल्लाह सुबह ने सात अभी वक्स से तो बड़े बड़े काम भी लेने थे ईरान फतेह करवाना था और फिर अल्लाह ताला ने उनको ढेरों और औलाद भी अता फरमाई फिर मदीना जब आप वापस तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आती है गदीर -खुम। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ठहरने का हुक्म दिया और इस जगह का आजकल नाम है अलगरबा और यहाँ पर आप अलैहि वसल्लम ने के हक में एक खुतबा दिया और इसने उनकी फ़जीलत अमानत और दियानत और, और इंसाफ जो है उसका तस्करा फरमाया और इस खिताब की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जब आप यमन से माल गनीमत ला रहे थे तो कुछ लोगों को आपके माल गनीमत की तकसीम पर इतराज़ हुआ था तो आपने जो शकुक व शुभ लोगों के दिलों में पैदा हुए थे हज़रतली के बारे में तो आप सल्ह वसलम ने वो दूर किए और आपने फरमाया कि ए लोगो अली की शिकायत ना करो वो अगर सख्ती करते हैं तो अल्लाह की खातिर करते हैं और अल्लाह के रास्ते में करते हैं तो उनकी शिकायत करना तो बनता ही नहीं है और वैसे यह है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा के लिए भी मामूल रहा है कि आप वसल्लम ने एक मरतबा अबू बकरों के साथ किसी की जरा कुछ ऐसी Uh, हो गई थी गर्मा गर्मी तो आपने फरमाया था कि क्या तुम मेरी खातिर मेरे साथी को छोड़ नहीं सकते और इसी तरह से खालिद बिन वलीद की साइड ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा कर कि क्या तुम मेरे लिए मेरे उमरा को छोड़ नहीं सकते तुम्हें तो उनके अमूर की खैर और भलाई हासिल हो और इनके हिस्से में सिर्फ डांट डपट आए यानी इनकी शिकायतें इतनी इस तरह मुझे मत लगाया करो तो इसी नोयत का यह भी खुतबा था गदीर हम का और वापसी पर मदीना के करीब जुल्हलीफ़ा पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रात वहां गुज़ारी और आपका ये मामूल था कि आप अचानक घर को नहीं पहुंचते थे हालांकि आप देखें कि वाज मतहरा तो सब साथ थी बेटी भी साथ थी लेकिन इसके बावजूद मदीना में आप अलैहि वसल्लम ने इस तरह अचानक एंटर होना जो है वो कोई पसंद नहीं फरमाया और फिर जब सुबह हुई تو آب صلى الله عليه وسلم مدینہ پہنچ کر تین مرتبہ تکبیر کی اور لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيَبُونَ تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده سبحان الله بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته